स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल MTV ट्रेवल में। तो दोस्तों, आज मैं दिल्ली से शिमला का ट्रेवल करने वाला हूँ और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दिल्ली से शिमला कैसे जाएं, कहाँ रुकें और क्या करें, कम से कम बजट में कैसे यात्रा कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला एक प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और शिमला कैसे पहुंचे यह बड़ा सवाल नहीं है, क्योंकि राज्य की राजधानी और प्रमुख पर्यटन स्थल होने के कारण यहां हवाई, रेल या सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। दिल्ली, चंडीगढ़ और दूसरे बड़े शहरों से सीधी बस की सेवा उपलब्ध है और आप खुद ड्राइव करके भी शिमला पहुँच सकते हैं या शिमला जाने के लिए टैक्सी भी कर सकते हैं। शिमला के सबसे नजदीकी स्टेशन कालका है, जो शिमला को कलकत्ता और दिल्ली के साथ देश के दूसरे बड़े शहरों से जोड़ता है। रेल के जरिए दिल्ली से शिमला पहुंचने के लिए भी आपको पहले कालका आना होगा, फिर कालका से टॉय ट्रेन या कैब करके आप शिमला पहुंच सकते हैं। कालका से शिमला पहुंचने में टॉय ट्रेन 5 से 6 घंटे तक लेती है। अगर आपके पास समय है और आप कुछ नया अनुभव करना चाहते हैं तो कालका से शिमला पहुंचने के लिए टॉय ट्रेन का विकल्प चुनें। शहर के सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जबरहट्टी एयरपोर्ट है, जो शिमला से 20 किलोमीटर दूर है। दिल्ली से जबरहट्टी पहुंचने में फ्लाइट करीब 1 घंटा लेती है। दिल्ली से कलकत्ता की कुल दूरी 275 किलोमीटर है। दिल्ली से कालका स्टेशन, जो हरियाणा में पड़ता है, यहां तक कुल 6 ट्रेनें चलती हैं, जो इस प्रकार हैं। पहली ट्रेन दिल्ली सराय रोहिला से हिमालयन क्वीन 5:35 पर चलती है। दूसरी कालका शताब्दी, जो 7:40 पर और शाम 5:50 पर नई दिल्ली से चलती है। चौथी सांसी कालका सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो 7:50 पर नई दिल्ली से चलती है। और नेताजी एक्सप्रेस पुराने दिल्ली से 9:30 पर चलती है। तो दोस्तों, मैं भी पहुंच चुका हूं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन और मैंने भी हावड़ा कालका मेल नेताजी एक्सप्रेस में अपना रिजर्वेशन कराया है। तो ये लीजिए मेरी ट्रेन नेताजी एक्सप्रेस 5 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंच चुकी है। तो चलिए आप सब भी मेरे साथ और यात्रा का आनंद लीजिए। तो अब मैं पहुंच चुका हूं कालका रेलवे स्टेशन। यह रेल मार्ग उत्तर रेलवे के अंबाला डिवीजन में आता है। देश विदेश के सैलानी शिमला के लिए इसी रेल मार्ग से टॉय ट्रेन में सफर का लुत्फ उठाते हैं। 1896 में इस रेल मार्ग को बनाने का कार्य दिल्ली अंबाला कंपनी को सौंपा गया था। कालका शिमला रेल मार्ग को KSR के नाम से भी जाना जाता है। 1921 में राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने भी इस मार्ग से यात्रा की थी। तो आइए चलते हैं टॉय ट्रेन के सुहाने सफर की ओर। विश्व धरोहर में शामिल ऐतिहासिक कालका शिमला रेलवे मार्ग 117 साल का हो गया है। 9 नवंबर 1903 को कालका शिमला रेल मार्ग की शुरुआत हुई थी। अपने 117 वर्षों के सफर में यह रेल मार्ग कई इतिहास संजोए हुए है। कालका शिमला रेलवे लाइन के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने जुलाई 2008 में इसे विश्व धरोहर में शामिल किया था। इसके अलावा कनोह रेलवे स्टेशन पर ऐतिहासिक आर्च गैलरी पुल 1898 में बना था। यह इंडियन रेलवे में आर्च गैलरी पुल सबसे बेहतरीन पुलों में शामिल है। पूरे रेल मार्ग पर 1919 घुमाव आते हैं। तीखे मोड़ पर ट्रेन 48 डिग्री के कोण पर घूमती है।
96 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग पर कुल 18 स्टेशन हैं और 103 सुरंगें, जो सफर को और भी रोमांचक बनाती हैं। कालका से 41 किलोमीटर दूर बड़ोग रेलवे स्टेशन के पास ही बड़ोग सुरंग है, जिसे सुरंग नंबर 33 भी कहते हैं। तो दोस्तों, बहुत देर बाद ट्रेन रुकी है, शिवालिक एक्सप्रेस। बड़ोग स्टेशन है जो काफी खूबसूरत है, देखिए आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यह स्टेशन 20वीं शताब्दी में बनाई गई। यहाँ पर एक सुरंग है जो 1143 मीटर लंबी है। चलिए आगे चलकर मैं उस सुरंग को दिखाता हूँ। यह है वो सुरंग। इस सुरंग को पार करने में ट्रेन को 2.5 मिनट का समय लगता है। कहा जाता है कि जब इस ट्रैक का निर्माण हो रहा था तो अंग्रेज इंजीनियर बड़ोग को टनल बनाने का जिम्मा सौंपा गया। टनल खोदने का काम पहाड़ के दोनों ओर से किया गया था, लेकिन उनके मुहाने एक दूसरे से नहीं मिले। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने इंजीनियर बड़ोग पर 1 रुपये का जुर्माना लगा दिया था, तो उन्होंने शर्मिंदा होकर आत्महत्या कर ली थी। तब से यह हंटेड प्लेस के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इंजीनियर बड़ोग की मौत के बाद यहाँ अप्रिय घटनाएं होने लगी थी। लोगों का मानना है कि यहाँ बड़ोग की आत्मा भटकती है। पांच घंटे के सफर के बाद अब शिमला पहुंचने वाला। यहाँ कल काफी बर्फबारी हुई है, देखिए बाहर का ये दृश्य। लग रहा है कि मैं बादलों में घूम रहा हूँ। पहाड़ों पर गिरे हुए बर्फ सूरज की रोशनी में हीरे जैसे चमक रहे हैं। बर्फबारी की वजह से रेलवे ट्रैक पर बर्फ की मोटी चादर जम गई है। इस वक्त शिमला का नजारा किसी परी की कहानियों में जिक्र किए जाने वाले सफेद शहर जैसा है। ट्रेन का मजेदार सफर करने के बाद शिमला रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका हूं। देखिए शिमला का रेलवे स्टेशन कितना प्यारा लग रहा है। यहां पे एक दिन पहले ही भारी बर्फबारी हुई है, देखिए पहाड़ों पे चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। तो अब मैं यहां से मॉल रोड की तरफ जाऊंगा, जहां पे मेरा रूम बुक है। तो बने रहिए मेरे वीडियो में और देखते रहिए आगे का वीडियो, बहुत ही मजा आने वाला है।